हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, टोड भाई। वैसे तो इस कॉमिक का प्रिंट जो है बहुत ही वाहियात है। इसकी स्कैन कॉपी मेरे पास नहीं है, जो है वही मैं पढ़ रहा हूँ। भाई, टोड भाई वो होता है जो भाई के काम आए, लेकिन ये चब्बर भाई तो हमारे ही काम करने पर तुला है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आदमी को अपना भाई मत बनाओ, अब तुम्हें कोई नहीं कहेगा टोड भाई। भोले भाले मगर कमाल के फाइटर टोड्स का हास्य कॉमिक विशेषांक, लेखक तरुण कुमार भाई, परिकल्पना अनुपम सेना, चित्रांकन दिलीप चौबे, कैलीग्राफी TR आज़ाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मगर कंप्यूटर का तो काम है ये कहना, टोड्स एक्शन। ये एक्शन गटर के बाहर होता तो टोड्स को अपने हैट, ओवरकोट व जूते उतार कर एक्शन करना होता है, जिसमें कुछ सेकंडों का समय लगता है। मगर टोड निवास में सेकंडों का समय भी नहीं था। इस एक्शन की शुरुआत शूटर ने घूसा बाड़ छोड़कर की। मास्टर उछला पोल वाल्ट पर, या कटर की तलवार बिजली की सी तेजी के साथ हवा में लहराई। कट कट, वो मारा। मारा नहीं कटर, मारी, क्योंकि छिपकली स्त्रीलिंग होती है। मारा या मारी, मर तो गई, वरना यह टोड निवास में आने वाले सारे कीड़े मकोड़े हजम कर जाती। कंप्यूटर का शुक्रिया अदा करो यारों, अगर ये छिपकली को कीड़े मकोड़े खाता ना देखता तो हमें आज टोड निवास में नाश्ता नसीब ना होता। हाँ यार कंप्यूटर, तू हमारा कितना ध्यान रखता है। तू हंस क्यों रहा है? वो छिपकली तो मैं ही बाहर से पकड़ कर लाया था। क्या, अपना शुक्रिया वापस लेना पड़ेगा? अरे ठहरो ठहरो, इसके पीछे एक कारण था। मैं देखना चाहता था कि कोई काम धाम न होने से कहीं तुम सब आलसी और निकम्मे तो नहीं हो गए। कंप्यूटर, क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है, डिस्को चोर को पकड़वाने के बाद हम टोड निवास से बाहर नहीं निकले और न ही कोई काम किया। जब आदमी कोई काम नहीं करता तो वो आलसी और निकम्मा हो जाता है, पर हम आदमी थोड़े हैं। ये बात हम टोड्स पर और हर जिंदा प्राणी पर भी लागू होती है। एक जगह पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाता है। एक जगह पड़े पड़े प्लस लोहा इज इक्वल टू जंग। कंप्यूटर ठीक कहता है यारो, मैं कब से कह रहा हूँ कि अपराध से लड़ते रहने के अलावा खाली समय में हमें कोई काम करते रहना चाहिए, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। ये बात तो रहने दे कंप्यूटर, हमने क्या क्या काम नहीं किया। रैप स्टार बने, बिजनेसमैन बने, सुपरस्टार बने, फिर डिस्को डांसर बने, पर हम कुछ भी नहीं बन पाए। हाँ, लेकिन अगर तेरे पास कोई नया आइडिया है तो हम वो काम ज़रूर करेंगे। हम दुकान खोलते हैं। मेरे दोनों कान तो पहले ही खुले हुए हैं बेवकूफ़। दो कान नहीं, दुकान जिसमें रखकर सामान बेचते हैं। पर दुकान खोलेंगे किस चीज़ की? पहले दुकान खोल लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे कि किस चीज़ की खोलें। लेकिन अगर बिना चीज़ रखे दुकान खोलने से घाटा हो गया तो? नाई की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल, रेडीमेड जूते की दुकान, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। पहले दुकान खोलने दे, दुकान में ग्राहक आएंगे और हमसे चीज़ मांगेंगे। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी हम उस चीज़ की दुकान खोल लेंगे। दुकान खोलने के लिए गटर से बाहर आना ज़रूरी था। हम बेकार में ही घाटे से डर रहे थे। वो देख कंप्यूटर, उस आदमी ने भी पहले दुकान खोल ली है और अब सोच रहा है कि उसमें क्या रखूं। बेवकूफ़, वो प्रॉपर्टी डीलर है। ये आदमी लोगों को दुकान दिलाने का काम करता है, हमें भी दुकान यही दिलाएगा। तो फिर चलो उसके पास। दुकान चाहिए तो निकालो कमीशन 2%। वो क्या होता है 2% का? मतलब 2% होता है मास्टर। ये दुकान दिलाने का पैसा मांग रहा है। तुझे तो पता ही है कि यहाँ हर चीज़ पैसे में मिलती है। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, दुकान ले लो, पैसे बाद में दे देना। आजकल प्रॉपर्टी का बाजार वैसे ही बड़ा मंदा है, ग्राहक आते ही नहीं। वो रही तुम्हारी दुकान। चलो, दुकान तो मिल गई, बैठने की जगह भी बनी है। पर ये तो एक के लिए, हम तो चार हैं। हम चार हैं तो इसमें दुकान बनाने वाले की क्या गलती है? दुकान है, दुकान पर तो एक ही आदमी बैठता है। जल्दी ही यारो, हमारी दुकान खुल गई। मैंने कोयले से इस पर लिख दिया है हमारी दुकान। अब हम ग्राहकों का इंतज़ार करेंगे। आसपास के दुकानदारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। ओवरकोट हैट वालों ने टॉयलेट पर कब्जा करके दुकान खोल ली है। मुझे तो ये हफ्ता लेने वाले भाई लगते हैं। पहले तो ऐसे ही हफ्ता लेने आते थे, अब दुकान खोल ली है, हफ्ता भी ज़्यादा मांगेंगे। टोड्स का इंतज़ार ख़त्म होगा। ग्राहक आ गए। मास्टर, इनसे मैं पूछता हूँ कि इनको क्या चाहिए। अरे ये क्या, टॉयलेट भी नहीं छोड़ा, यहाँ अभी कब्जा करके दुकान खोल ली। पर हमें क्या, हमें तो हफ्ते से मतलब है, पर दुकान तो अभी खाली है, हफ्ता कहाँ से देगा रे बिड़ू। कंप्यूटर, ये बिड़ू कैसे कह रहा है? जब कहीं चार लोग इकट्ठा होते हो तो उसे भीड़ कहा जाता है।
चार लोग इज इक्वल टू भीड़। दुकान में सामान डालो, हम फिर आएंगे। भाई को हफ्ता देने से कोई मना नहीं करता। अरे अरे ठहरो, ये तो चले गए। वो हफ्ता मांग रहे थे। अगर हमारी दुकान में हफ्ता होता तो हम उन्हें बेचकर मुनाफा कमा लेते। दुकान खोलते ही घाटा करवा दिया ना कंप्यूटर। पर वो तो चार थे, हफ्ता तो एक ने मांगा था, बाकी तीन ने तो कुछ मांगा ही नहीं। हमें उनके पीछे जाकर देखना चाहिए कि बाकी तीनों को क्या चाहिए। भाई का हफ्ता देता हूँ चंपू भाई, ये लो मेरे पास इतना ही है। उन चारों को हफ्ता चाहिए। हाँ, उस बक्से में हफ्ता भरा होगा। इन्होंने तो हफ्ते के बदले पैसे भी नहीं दिए कंप्यूटर। हाँ, और अब वो दूसरी दुकान पर जा रहे हैं, शायद उन्हें और हफ्ता चाहिए। क्यों रे पांड्या, बहुत चलती है तेरी दुकान, हफ्ता निकाल भाई का हफ्ता। हफ्ता मैंने पहले ही निकाल रखा है चंपू भाई। अरे वो तो उन्हें मुद्रा दे रहे, और मुद्रा भी मुफ्त में। पर पहले वाले ने तो बक्से में कोई सामान भर कर दिया था। कंप्यूटर, हफ्ता सामान होता है या मुद्रा? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, देखते जाओ। भाई का हफ्ता, ये सोने का हार मैंने पहले ही तुम्हें देने के लिए बनवा रखा है चंपू भाई। फिर एकदम से कटर की समझ में जैसे सब कुछ आ गया। हफ्ते का मतलब समझ में आ गया, हमें भी बताना कटर। वो चारों हफ्ता मांगते हैं तो दुकान वाले उन्हें कुछ ना कुछ सामान या मुद्रा दे देते हैं। सब एक दूसरे को भाई कह रहे थे। हाँ, और भाई भाई से सामान खरीदने पर मुद्रा नहीं मांगता। जैसे कभी कभी मैं अपना कीड़ा भी कटर को खाने को दे देता हूँ। एक बार मैंने भी तुझे ड्रैगन फ्लाई चूसने को दी थी, और बदले में तुझसे मुद्रा भी नहीं मांगी थी, क्योंकि टोट टोट भाई भाई। हाँ, और जो सामान नहीं देना चाहते वो मुद्रा दे देते हैं। वो चंपू भी यही कह रहा था कि भाई को हफ्ता देने से कोई मना नहीं करता, चलो हम भी इनसे हफ्ता लेते हैं। ये लोग हमें हफ्ता नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आदमी आदमी तो भाई भाई होते हैं, टोट टोट भी भाई भाई होते हैं, पर टोट आदमी भाई भाई नहीं हो सकते। भाई भाई नहीं हो सकते, पर भाई जैसे तो हो सकते हैं ना कंप्यूटर। अब हमें इस दुनिया में इनके साथ ही रहना है, इनकी ही मदद करनी है, तो फिर हमें इनके भाई जैसा बांधना ही होगा, वरना इस हम काम क्या करेंगे। लेकिन मास्टर ठीक कहता है, हमें काम मिल गया, फिर काम करने का आइडिया भी तो तेरा था कंप्यूटर, चलो हम हफ्ता लेकर आते हैं। तब तक चंपू भाई हफ्ता वसूली करके वहाँ से जा चुका था। अब बारी थी टोट्स की। भाई का हफ्ता, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये दुकान वाले नए भाई हैं, इन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। टोट्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखा कंप्यूटर, मना कर रहा था कि आदमी हमारे भाई नहीं मानेंगे, पर उन्होंने हमें भी हफ्ता दे दिया। ये सामान अब हम अपनी दुकान में रखेंगे और दूसरे ज़रूरतमंद भाइयों को हफ्ते में देंगे, ताकि उनका भी काम चलता रहे। ओए चोपड़ा, चब्बर भाई के इलाके में चार नए ओवरकोट हैट वाले सिरफिरे भाई कहाँ से आ गए? यह चारों इस इलाके में नहीं आएंगे खोपड़ भाई, इनकी मौत इनको इस इलाके में ले आई ली है। अपुन चब्बर भाई को मोबाइल लगाता है क्या? जल्दी लगा, इस इलाके में किसी और की भाईगिरी की खबर हमें ही चब्बर भाई को देनी होती है। अगर ये खबर उसे कहीं और से मिल गई तो हम दोनों की खैर नहीं। पूरी मुंबई पर राज करता है ये। कितनी ईंटें थीं? मैंने पूछा कितनी ईंटें थीं, तो 3 लाख। और सीमेंट की बोरी 5,000। और सरिया 50 टन। 10 करोड़ की ज़मीन पर तूने 3 लाख ईंटें, 5,000 कट्टे सीमेंट और 5 टन सरिया इस बिल्डिंग में लगाकर बहुत मजबूत कीमती बिल्डिंग बनाई है बिल्डर सेठ। पर तूने एक खोखा नजराने में भाई को नहीं भेजा, बहुत बेइंसाफी है ये। चपड़ चपड़, ये क्या कर रहे हो? इंसाफ कर रहा हूँ, चपड़ चपड़। ये क्या किया तुमने? तो बिल्डिंग ही साफ कर दी चपड़ भाई, मेरा 15 करोड़ का नुकसान कर दिया। इमारत का मलबा अभी भी 50 लाख का होगा, मैं तो उसे भी 50 पैसे का नहीं छोड़ूंगा। चपड़ 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 भाई, जहाँ पाव रख देता है वहाँ बिल्डिंग नहीं, सिर्फ प्लॉट नजर आते हैं। ले, ये पहले की तरह प्लॉट हो गया, अब तो इस पर फिर से बिल्डिंग बनाना। पर नजराने में 2 खोखा चपड़ भाई को नहीं भेजा तो मैं उस बिल्डिंग पर भी चढ़ जाऊंगा। चपड़ चपड़, हाय मेरे 15 करोड़ की बिल्डिंग। तभी मोबाइल की घंटी बजी। चपड़ चपड़, चपड़ भाई जल्दी से अपनी रैपिड एक्शन पान फोर्स रॉफ को भेजो, अपन के इलाके में भारी गड़बड़ है भाई। रैपिड एक्शन पान फोर्स बहुत जल्दी पहुंचती है, चलो जल्दी चलो, उन चारों के मुंह बिना पान के लाल करके वापस आना है। फाइटर टोट सिर पर आ चुके खतरे से बेपरवाह थे। मैंने हिसाब लगा लिया यारो, हमें मिले 10 डिब्बे मिठाई, 4 डिब्बे दांत साफ करने का बंदर छाप मंजन, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप, मैगी, रूह अफ़ज़ा की बोतलें, ठंडी पेप्सी, ठंडा कोक, फ्रूटी केक, पेस्ट्रियाँ, बस मुद्रा नहीं है। जब सामान मिल रहा था तो हमने मुद्रा नहीं ली।
हमारा सामान कौन तोड़ रहा है? अभी तो सामान तोड़ा है, अब तुम्हारी बारी है। मास्टर, कौन है ये लोग और हमें बेवजह क्यों मार रहे हैं? हम हैं रैपिड एक्शन पान फोर्स, तुम हमें पान कमांडोज समझ सकते हो। मैं पान कमांडोज का लीडर पनवाड़ी हूँ। मैं हूँ चूना, मैं कत्था। वो सुपारियाँ मैंने दागी हैं। मेरा नाम है सुपारी। तुमने हम पर सुपारियाँ क्यों चलवाई? क्योंकि तुमने चब्बर भाई के इलाके में आकर हफ्ता मांगने की जरूरत की है। यहाँ से हफ्ता सिर्फ हम लेते हैं, हम यहाँ के भाई हैं। तू यहाँ कब आई है तो हम क्या बहने? अब पता चला, कटर का तो जैसे खून ही खोल उठा। कंप्यूटर, तू बोल। अबे बोलता क्यों नहीं? टोट्स एक्शन, पान कमांडोज एक्शन। सुपारी की सुपारी गन चली, ता 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 ता। आओ, इसने तो फिर से सुपारियां दागनी शुरू कर दी। ट्वैंग टिंग टिंग। पर मेरे पास भी ढाल है बच्चू, अब मैं तेरी खोपड़ी अपनी तलवार को डंडे की तरह प्रयोग करके तोड़ दूंगा। या था, इस पर तो तलवार का कोई असर ही नहीं हुआ। ले या मार, अब या मार। इसे लग क्यों नहीं रही? शूटर को पूरी उम्मीद थी कि घूसा बाढ़ जरूर चूना को जाकर जोरों से लगेगा। समय थाक, आने दे, क्योंकि मेरी चमचा म्यान भरी है विशेष चूने से और मेरा चमचा हमेशा चूने में डूबा रहता है। स्पक, यह जब बाहर निकलता है और किसी चीज से टकराता है तो उसे चूने की ताकत से गला देता है। अरे, मेरा घूसा बाढ़ गल गया। मेरे पसीने की बूंदों से अब तू भी गल जाएगा मेरे कपड़ों की तरह, क्योंकि मेरे पसीने में भी चूना ही बहता है। आओ, ये बूंदे तो बहुत गर्म है। पर मैं उछलकर इसकी खोपड़ी पर एक लात जड़ूंगा तो इसका सिर झटके खाने बंद कर देगा। आओ, पांव जल गया। जला कर ही मारूंगा तुझे। अबे काम आ रहा है, चट्टी गल जाएगी। शूटर की दनादन घूसों की वर्षा, साय झम झम। चूने से नहीं बचेंगे तेरे ये बाढ़ और तू। चूना शूटर के छोड़े बाहर बचा पा रहे थे क्या था, और ना ही कत्ता के शक्तिशाली पीक फायर से बचा। मास्टर, मेरी ग्लोरी बेल्ट में शक्तिशाली कत्ते के बीड़े बंधे हैं, बीड़ा अंदर और ढेरों पीक बाहर। इसके मुंह से तो बिना मेरी मार खाई खून निकल गया, जब पिटेगा तो क्या हाल होगा। उफ, शाबाश कत्था चूना सुपारी, इन्हें इतनी मारो, इतना मारो कि ये अपनी मेढकों वाली सूरत के साथ ही अपनी असली सूरत भी भूल जाए। तू क्यों नहीं लड़ रहा? ओ समझा, मेरी तरह तू भी इनका लीडर है, पर फिर तू भी मेरी तरह इनकी हौसला अफजाई क्यों नहीं कर रहा? हौसला अफजाई करने से अपने आदमियों में ताकत आती है। था था, पहले मैं तेरा मुंह बंद कर तेरे आदमियों की ताकत ही कम कर दूं। मास्टर कत्था की ताकत कम करने के चक्कर में उसकी तरफ बढ़ा। अब तेरा पांव होगा और मेरी पीक, जिस पर पांव पड़ते ही तू रॉकेट की तरह उड़ेगा। उड़ना तो खतरनाक साबित नहीं हुआ, लेकिन लैंडिंग खतरनाक होने वाली थी। ई, कंप्यूटर कहाँ गया तू? डोंट वरी, तू आराम से गिर मास्टर। था, उस घमासान लड़ाई को पूरे बाजार के दुकानदार सांसें रोके देख रहे थे। लड़ाई चाहे जो भी जीते, पर हमें हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। वो दुकान वाले कोट हैट वाले भाई रुपए नहीं लेते, वो तो सामान के हफ्ते पर ही मान जाते हैं जो हमें सस्ता पड़ेगा। दुआ करो कि वही जीते। कंप्यूटर का घूसा खाकर चकरा कर गिरा परमाड़ी अपनी जूती सूंघ कर खुद ही होश में आ गया था। अगर मैं बेहोश पड़ा रहा तो फिर मेरे आदमियों की हौसला अफजाई कौन करेगा? बिना हौसला अफजाई के तो बड़ी बड़ी सेना भी कमज़ोर पड़ जाती है। ये गया तेरा धनुष। अरे वाह, अभी तो मेरे आदमी पीट रहे हैं, तब तक मैं अपना दिमाग दुरुस्त करने के लिए एक ठंडा ठंडा कोक पी लूँ। लाबे, एक बड़ा कोक दे। अभी देता हूँ परमाड़ी भाई, इसने तो मेरा धनुष तोड़ दिया। कटर की डाल उसके हाथों से छुड़ाने के लिए सुपारी ने कटर के पाँव के नीचे सुपारियों की बारिश कर दी, जिससे कटर भी फिसल कर थाड़ से गिरा। थर 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 थर। कंप्यूटर कटर के कान में फुसफुसाया। ओह, ये क्या? पता नहीं कंप्यूटर ने उसके कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया था कि कटर ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक तलवार का बटन दबाकर उसकी धार पैदा की और सुपारी का सिर कटने लगा। टाक। इस बार कटर ने तलवार सुपारी के सिर से कटे हिस्से में फंसाकर उसे एक जोरदार झटका दिया और सुपारी का मुखौटा उखाड़कर दूर जा गिरा। स्पक। ओह, मेरा टकला मुखौटा, जिसके नीचे सुपारियों की परत बिछी थी जो मेरे सिर को चोट से बचाती थी। इसका हथियार और बचाव का साधन यानी इसके कपड़ों में भरी सुपारियां इसकी ताकत हैं। इसका सिर गंजा क्यों है? जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया तो मुझे पता लग गया कि इसके सिर पर, इसके चेहरे पर मुखौटा चढ़ा है और मुखौटे के नीचे सिर को चोट से बचाने के लिए बिछी है सुपारियों की परत। अब तो यह कटर के एक ही वार से बेहोश होकर गिर जाएगा। या, ओ!
कंप्यूटर ने शूटर को भी दिया गुरु मंत्र। ओ ये बात। इस बार जैसे ही चूना ने अपने चमचे को चूना लगाने के लिए म्यान में डाला कि शूटर ने टूटे हुए धनुष की तार से पत्थर बांधकर धनुष का एक नया इस्तेमाल किया। ताक आ! शूटर ने चूना को जड़ी एक जोरदार ठोका। था कटर, इसे मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, जरा इसकी म्यान तो काट। कटर ने काट डाली उसकी म्यान की पेटी। ओ म्यान कटते ही म्यान गिरते ही म्यान में भरा चूना सड़क पर बह गया। तब तक शूटर ने डोरी टूटी डोरी में दोबारा गांठ बांध ली। और अब तेरा चूने का पसीना भी पानी में बह जाएगा। था पानी मिलने से चूना बहुत गर्म हो जाता है। आ मैं जल गया। शूटर भी मेरी बात जल्दी समझ गया। मास्टर की आंखें भी तब तक देखने लगी थी। मास्टर इसे गिलोरी मत खाने देना, वरना ये दे फिर तुझे पीक मारेगा। ताक ओ मेरी कत्थे की गिलोरी। मास्टर ने अपनी लंबी जीभ फेंककर कत्था को अपने पास खींचा। खचा इसकी जीभ इतनी लंबी कैसे हो गई? अब तेरा क्या होगा कत्था? ठस अब तू लंबा होगा। कत्था के मुंह से लाली तो बहुत भई, पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि वो खून की लाली है या पीक की। पनवाड़ी ठंडा पीकर पलटा तो अरे मेरे सारे आदमी झूठे पत्थरों की तरह इधर उधर पड़े। आज तक पान कमांडोज से कोई नहीं जीत पाया, पर इन मेडिकों ने मेरे सारे आदमियों को धूल चटा दी और मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। पर मैं पनवाड़ी हूँ, मेरे पास इनसे निपटने के लिए तरह तरह के पान मसाले हैं। पनवाड़ी ने खाया पान फुंकार पान मसाला। अब मेरी पान फुंकार से ये चारों नहीं बचेंगे। फुंकार कंप्यूटर हमारा तो दिमाग चकराने लगा। इसने जो पान खाया उसमें तंबाकू होगा, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसी के असर से हमें चक्कर आ रहे हैं और अब और भी ज़्यादा चक्कर आएंगे। धार धार हम तो सूंघ रहे हैं, पनवाड़ी तो तंबाकू खा रहा है, उसे चक्कर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसे तंबाकू खाने की आदत पड़ी हुई है। ऐसे तो हम पिट जाएंगे। मुझे तो सारी दुनिया घूमती नज़र आ रही है पर मेरा दिमाग अभी नहीं घूम रहा। शायद इसकी किक की चोट से मेरा चक्कर खाता दिमाग ठीक हो गया है, दर्द भी इसी ने दिया और दवा भी। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे ये तो पिटने से पहले ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? इसे चक्कर पान खाने से ही तो आया है। इसने ना जाने कितने पान खाए और विषैले तंबाकू का सेवन किया। मेरा सिर घूम रहा है, सब और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। मैंने अपने कंप्यूटर से तेरी जांच कर ली है, तुझे कैंसर है, अब तू नहीं बचेगा। नहीं अब तो तेरी एक ही मंजिल है, वो जा रहा है उसका रास्ता, शमशान घाट। नहीं तेरा कोई आगे पीछे रोने धोने वाला है या नहीं? मैंने हमेशा बुरे काम किए, बुरे काम करने वालों का साथ कोई नहीं देता। पर जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि भैया सब कुछ खाना मगर गुटखा तंबाकू पान सुपारी पान मसाला ज़्यादा खैनिया सुरती कभी ना खाना। पता नहीं शमशान वाले मुझे जलने के लिए लकड़ियाँ भी देंगे या नहीं। बेचारा पनवाड़ी। टोड भाई जिंदाबाद। कंप्यूटर ये टोड भाई किसे कह रहे हैं? बेवकूफ़ हमें और किसे। आज से तुम यहाँ के भाई हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आकर ले जाना, कोई मना नहीं करेगा टोड भाई को। कंप्यूटर देखा तूने इन आदमियों का भाई बनने का फ़ायदा, बेहोश पड़े बदमाशों को पुलिस उठा ले गई। लेकिन ये खबर चप्पर भाई के लिए अच्छी नहीं थी। चप्पर भाई बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं यहाँ पहुँचाऊँ, वो चारों सचमुच खतरनाक हैं लेकिन थोड़े से भोले वो मूर्ख भी। जब पहले रुक, दांत में कुछ फंस रहा है, उसे निकालने दे। लेकिन जैसे ही चप्पर भाई ने दांत खुरेदने के लिए मुँह खोला, अबे ओ बावर्ची के बच्चे ये जिंदा चिकन मुँह में कैसे चला गया? मैंने तो 150 चिकन एक साथ उबाले थे चप्पर भाई, एक आध जिंदा रह गया होगा। तू तो मेरा बावर्ची है, तुझे तो मैं छोड़ दूंगा पर इसे नहीं छोड़ूंगा जो उन चारों मेडिकों को जिंदा छोड़ आया। नहीं इसे बाहर निकाल लो चप्पर भाई। तूने शमशान न जाकर गलती की थी पनवाड़ी, अगर चला जाता तो मेरे हाथों सजा पाने से बच जाता। चप अब जा। थड़ाक निशानची चप चप गोलियां चलाकर कानों में खुजली मत मचा निशानची, फायर करना बंद कर। लेकिन चप्पर भाई फिर उन मक्खियों का क्या होगा जो तुम्हारे खाने पर बैठ रही हैं? तुमने मक्खियाँ उड़ाने के लिए ही तो मुझे बुलाया ना। आज चार मेडिकों को उड़ाने के लिए बुलाया जो हमारे इलाके में टोड भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। तू मेरी गैंग का सबसे काबिल शूटर है, तू ही ये काम कर सकता है वरना हमारी भाईगिरी खतरे में पड़ जाएगी। तू तो जानता ही है मैं कितना मोटा हूँ, बचपन में मुझे सरकारी आदमी रोड रोलर की जगह पर चल पाती थी जिससे सड़क समतल हो जाती थी, पर उससे मेरे पाँव में तारकोल चिपक जाता था इसलिए मैंने वो काम बंद कर दिया। कमबख्त मेरे नाप का जूता भी तो नहीं मिलता इसलिए खाली पेटियां पहननी पड़ती हैं। फिर मुझे किसी और ने दूसरा कोई काम नहीं दिया क्योंकि मैं मोटापे के कारण कोई काम कर ही नहीं सकता था।
फिर मुझे भूख बहुत लगती है, मुझे 24 घंटे खाने को मिलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने भाई का काम शुरू कर दिया ताकि रुपये पैसे की कोई कमी ना रहे, पर इन चार टोट भाइयों ने आज मेरी भाईगिरी को ललकारा है। जा जल्दी जा, उन्हें जाकर शूट करते वरना खाने के भी वांदे पड़ जाएंगे। निशानची के हाथों वो बचेंगे नहीं चबर भाई, गोलियों के फायरों के साथ ही कंप्यूटर को फौरन ही कहना पड़ा, टोट्स एक्शन। ये अकेला है, इसे तो मैं ही टिकाने लगाऊंगा। शूटर के हाथों तू नहीं बचेगा, शूटर के हाथों, पर शूटर तो मैं हूँ, तू सही सही बोल। सिंग बैंग, ये कह कि शूटर के हाथों में नहीं बचूंगा। था था, ओह तो तू टोट भाई का शूटर है, आ इसने तो मेरा जबड़ा हिला दिया। अब बोल शूटर कौन है? मैं शूटर हूँ। अबे तुझे बोला ना कि शूटर मैं हूँ, दो दो शूटर कैसे हो सकते हैं, फिर तेरी शक्ल भी मुझसे नहीं मिलती। बाड़ों वाले शूटर भाई के बारे में तो पहली बार सुना है। बेटे निशानची, अकल से काम ले वरना यही तुझे अपने बाड़ों से शूट कर देगा। ठहरो, तुम्हारा असली भाई कौन है, किस गैंग के लिए काम करते हो? गैंग वो क्या होता है, और तू ये क्या कह रहा था कि मेरा असली भाई कौन है? मास्टर कंप्यूटर कटरी तो मेरे असली भाई हैं। मुझे तो ये कोई भाई भाई नहीं लगते, पर हैं खतरनाक, हमारे काम के साबित हो सकते हैं। निशानची ने रंग बदला। ठहरो, तुम भी शूटर हो, मैं भी शूटर हूँ, शूटर शूटर भाई भाई, भाइयों में कैसा झगड़ा, झगड़ा खत्म। ये ठीक कहता है शूटर, यहाँ एक ही नाम के चार चार आदमी होते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये आदमी है और मैं टूट, हमारे नाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं शूटर, कभी कभी आदमी अपने नाम अपने पालतू पशुओं के नाम पर भी रख लेते हैं, जैसे जिम्मी रॉकी, कुत्ते का नाम भी होते हैं और आदमी का भी, तू नामों के चक्कर में मत पड़। फिर बड़ी बात यह है कि ये तुझे भाई कह रहा है। हाँ मैं तुम्हें भाई बनाने के ही तो आया हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने बड़े भाई चबर भाई से मिलवाता हूँ जल्दी ही। चबर भाई, यही है वो चारों, गजब के बहादुर और ख़तरनाक हैं, मगर थोड़े भोले हैं, मुझे लगता है ना भाई का असली मतलब भी नहीं पता। यह हमारे काम के साबित हो सकते हैं चबर भाई, ये हमारा कोई भी काम चुटकियों में पूरा कर देंगे, इन्हें पटाना पड़ेगा और भाई का सही मतलब बताना पड़ेगा, क्या समझे चबर भाई? आ जाओ फाइटर टोट्स, यही हमारे चबर भाई। इन्हें हमारा नाम तो बता दिया, अब काम भी बताओ और दिखा। मास्टर ये तो तेरे से भी 10 गुना मोटा है। चुप। निशानची फाइटर टोट्स को घुमाने लगा। हमारे चबर भाई महान आदमी है, यह अनाथ आश्रम उन्होंने ही बनवाया, यहाँ दो बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये किसी को नहीं पता कि यहाँ बच्चों को जेब काटने लोगों का सामान उठाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मंदिर भी चबर भाई ने बनवाया है, मंदिर में धन और मिठाई का जितना भी चढ़ावा आता है चबर भाई खाता है। ये स्कूल भी चबर भाई ने बनवाया है, इसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी मिलती है, सिर्फ दो बच्चों को ही, बाकी से मोटी फीस वसूली जाती है। निशानची उन्हें लेकर वापस भाई के पास पहुंचा। इन सब मान कामों को करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जिसे चंदा कहते हैं, हम लोगों से वही वसूल करते हैं, लेकिन ऐसे कामों के लिए चंदा ना दें तो वो कैसा आदमी होता है? बहुत बुरा। हमारे चबर भाई चाहते हैं कि उनके इन महान कामों में तुम भी हाथ बटाओ। भलाई के काम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे काम क्या होगा? हम तो कमाई करने निकले हैं। कमाई की फिक्र मत करो चबर भाई, तुम्हें काम करने के पैसे देंगे। वाह, फिर हम तैयार हैं। निशानची उन्हें एक जगह पर लेकर पहुंचा। अब तुम भाई बन गए हो तो तुम्हें भाइयों जैसा दिखना भी तो चाहिए। भाई जैसे कैसे दिखते हैं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें भाई जैसा बना दूंगा। सबसे पहले तो अपने ओवरकोट हैट वगैरह उतारो, क्योंकि भाई ऐसे कपड़े नहीं पहनते। अब ये वाले कपड़े पहन लो। फाइटर टूट्स ने फटाफट भी कपड़े पहन लिए। भाई लोग खाट पर बैठते हैं, खाट पर बैठने से रौब पड़ता है, और अपने ये पुराने धुराने शस्त्र एक तरफ फेंक दो, एक तरफ रख दो। नहीं, ये तो हमारे पास ही रहेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन भाइयों के पास आज के ज़माने के शस्त्रास्त्रों का होना बहुत ज़रूरी है। ये रहे तुम्हारे नए शस्त्र, और हाँ, तुम्हारी बाली भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी। भाई लोगों की एक खास मुंबईया भाषा होती है, जैसे मैं की जमन जगह पर अपुन बोलते हैं, गाय को कहते हैं गायला, इधर को कहते हैं द्रिच, समझे? कोई काम हाथ में लेना तो उसे सुपारी लेना कहते हैं। अब तुम खाट पर बैठो, क्योंकि अब तुम बन गए हो पूरे टोट भाई। कुछ काम है तो बोल बिड़ू, अपन सुपारी लेता है दो पेटी में, बड़ा सुपारी बोले तो खोखा लेता है, फिर टपका डालता है बाप, क्योंकि अपन सब बन गए लाए टोट भाई। अरे तुम तो बताते ही पूरे भाइयों वाली भाषा बोलने लगे। टीवी पर बहुत मुंबईया फिल्में देखी हैं, वो ऐसी ही देखी हैं क्या? फिर जल्दी लो, तुम्हारे लिए काम भी आ गया,
मैं तुम्हें तुम्हारे काम बता देता हूँ। तुम शूटर हो इसलिए मैंने तुम्हें पिस्तौल दिया है। तुम्हें टपकाने का काम करना है। तुम्हें यह आदमी टपकाना है। आप उन टपका डालेगा बाप। कटर, तुम्हें बिल्डर सेट से चंडे की पेटी लानी है। पेटी आ जाएगी बाप। कंप्यूटर, तुम्हें घुड़की दादा से घोड़ा लाना है। घोड़ा, समझा क्या भाई? है इतना तो समझते ही होगा ना? हाँ हाँ हाँ, अपन ठीक समझा, ठीक समझ गए ला। और मास्टर, तुम खोखा लेकर आना। पेटी से ज़्यादा होता है इसलिए मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अपन इधरीच किया और उधरीच खोखा लेकर आया। फाइटर टोर्स अपना अपना काम करने निकल पड़े। कंप्यूटर, मैंने उससे कह तो दिया पर अपन को ये तो पता ही नहीं कि टपकाते कैसे हैं। बहुत आसान है, अपन समझाता है। देख, ये तो तुझे पता ही है कि नल है। अपन इसे थोड़ा सा खोलूंगा और इसमें से पानी की बूंद नीचे टपकेगी। बस इसे ही टपकाना कहते हैं। वेरी इजी। पर उसने तो आदमी टपकाने को बोला है, वो भी ऐसे ही टपकेगा। कंप्यूटर यार, मुझे एक आइडिया आया है। अपन अपने काम अलग अलग तो करेंगे पर रहेंगे एक साथ, ताकि कोई गड़बड़ हो तो तू संभाल ले। तो फिर चलो, अपन पहले शूटर का आदमी टपका कर आते हैं। हम गटर गटर चलेंगे। जल्दी शूटर के दिए पते पर टोर्च जा पहुँचे। और यही वो आदमी है जिसे तुझे टपकाना है शूटर। और तेरा काम भी आसान हो गया, क्योंकि वो आदमी तो पानी के ऊपर खड़ा है। तो इससे पहले कि वो खुद टपक जाए, मैं उसे टपका कर आता हूँ। शूटर को वहाँ तक पहुँचे में ज़रा भी देर नहीं लगी। आप उनको तुमको टपकाने का काम मिला है बाप। मैंने चपर भाई को पैसा देने से मना किया था, इसे उसी ने भेजा होगा मुझे मारने। बस अब अपन तुझे टपका डालेगा बाप। और ले, तू टपक गया। छपा, अपना काम करके शूटर वापस आ गया। वाह, टपकाने के काम में तो बड़ा मज़ा आया, पर समझ में ये नहीं आया कि निशांची ने मुझे पिस्तौल क्यों दे दी। वो इसलिए ताकि कोई टपकने में आनाकानी करे तो इससे डरा धमका कर टपका सके। गटर गटर चलते हुए इस बार वो बिल्डर सेट तक आ पहुँचे। कटर, जल्दी जाओ और उस सेट से पेटी ले आ। कटर को देखकर बिल्डर सेट की गिक्की बन गई। अपन को मालूम है बाप कि तुम छप्पर भाई का आदमी टोड़ भाई है। अपन तुमको पेटी देता है बाप। कटर को पेटी मिल गई। इसमें तो कुछ खड़ा करा है। क्यों रे बेड़ू, तूने इसमें क्या भर रखा है? कटर ने पेटी खोल ली। इसमें तो मुद्राएं भरी हैं। ये मुद्रा तू अपने पास रख, मुझे से पेटी चाहिए। अपन को पेटी मिल गई, अपन चलता है। कटर पेटी ले आया। यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। चलो अब खोखा लेकर आते हैं। मास्टर तो खोखा ही उखाड़ लाया। यारो, मैं खोखा ले आया। अब बचा घोड़ा, जो हमें मिलेगा घुड़की दादा के पास। घोड़ा लाने का काम था कंप्यूटर का। ओ, तो तुझे भेजा है चपर भाई ने घोड़ा लाने के लिए। ले पकड़ घोड़ा। मैं क्या घोड़े को नहीं पहचानता? ये तो पिस्तौल है। ऐसे ही घोड़ा कहते हैं। पिस्तौल को घोड़ा कहते हैं तो घोड़े को क्या कहते हैं? मुझे तो बस घोड़ा ही चाहिए। इसे तू रख। चपर से मेरा सौदा हो चुका है। जो देता हूँ वो घोड़ा लेकर चुपचाप चला जा, वरना इधर ही डाल दूंगा तेरे को। तो तू घोड़ा नहीं देगा। मास्टर, एक्शन! मास्टर का एक घूसा भी नहीं पचा पाया घुड़की दादा। इसे पीट मास्टर, ये घोड़ा देने से मना कर रहा है। मुझे क्यों पिटवा दिया? मैं तो घुड़की दादा हूँ। घुड़की देना तो मेरी आदत है। ओ, अब ये मना नहीं करेगा। चलो ले लें। कंप्यूटर, हमें ये तो पता ही नहीं कि इनमें से कौन सा घोड़ा लेना है। सारे ले चलते हैं। चब्बर भाई को जो पसंद होगा वो अपने आप ले लेगा। मास्टर, थोड़े भी मिल गए, घोड़े भी मिल गए। चलो वापस चलें। चब्बर भाई को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। घुड़की दादा के अस्तबल के एक एक घोड़े की कीमत लाखों रुपए में है। वहाँ से घोड़े को लाना मौत को छेड़ने के बराबर है। और टोड भाई ने सारे घोड़े लाकर ये भी करके दिखा दिया कि उन घोड़ों को बेचकर हमें करोड़ों रुपये मिलेंगे। घुड़की दादा के अलावा तीन और ऐसे दादा मेरे पार्टनर हैं जिन्हें हर माह मुझे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि उन इलाकों में उन्हीं की चलती है। उन इलाकों में काम करने की फीस के रूप में मेरा करोड़ों रुपये महीना उन दादाओं को जाता है। अगर टोट्स उन दादाओं के भी धंधे बंद करवा दें तो फिर मैं पूरे राजापुर का भाई बन जाऊँगा। निशान जी, उन चारों को वहाँ भी चंदा लेने के लिए भेज, ताकि वो अड्डे तबाह कर डालें। उनके अड्डे पर मुझे करोड़ों अरबों का माल मिलेगा। हाँ चपर भाई, यहाँ तो वैसे भी खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ टोट भाई के जरिए जितना माल मिले उसे बटोर कर कहीं छिपा दें। मैंने एक शानदार जगह भी सोच ली है जहाँ पुलिस वाले का बाप भी नहीं पहुँच सकता। फिर मौका लगते ही सारा माल लेकर हम दुबई जाकर आराम से बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। निशान जी की धाक फाइटर टोट्स पर जम चुकी थी। प्यारे टोट्स, तुम्हें क्रीम भाई से चंदा लाना है और उसका शराब का अड्डा हटाना है, क्योंकि चब्बर भाई वहाँ एक मंदिर बनवाना चाहता है। क्रीम भाई चंदा भी नहीं दे रहा है और कहता है अड्डा भी वहीं रहेगा। बस अब तुम रहने दो निशान जी भाई। अच्छे आदमियों से चंदा तुम वसूल करो, बुरे आदमियों से हम खुद ले आएंगे। हाँ, सबसे पहला नंबर है क्रीम भाई का मंदिर,
जैसे पूजा स्थल के आसपास शराब का अड्डा नहीं हो सकता, और चंदा तो उसे देना ही पड़ेगा। क्रीम भाई के दारू की अड्डी की शामत आ गई थी, क्योंकि हो चुका था टोट्स एक्शन थाए थाए खना ता। क्रीम भाई हमको कदरीच मिलेगा, जल्दी बोल। वो उधर बैठा क्रीम रोल खा रहा है और तेज आवाज में टीवी देख रहा है। अड्डा तो हमने फोड़ दिया, पर चंदा लेना बाकी है। फाइटर टोट जल्दी ही चंदा लेकर वापस पहुंचे। ये चंदा तो करोड़ों रुपए का है चपर भाई। अब हम दूसरे बुरे आदमियों से भी चंदा लेकर आते हैं। बुरे आदमी कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये टोट्स भाइयों का अच्छी तरह से पता था। ये जगह तुम्हारी है बाप, मैं तो ये शहर ही छोड़ दूंगा। अवैध हथियारों के सप्लायर टोपिया के बाहर नंबर था जुए का अड्डा चलाने वाले कड़कड़ी पहलवान का। मैं तो तुम्हारी मार खाकर अपनी सारी पहलवानी भूल गया बाप, चढ़ा चंदा देता हूँ। इस बार कड़कड़ी पहलवान के अड्डे से बाहर निकलते ही टोट भाई टकरा गए रसीला से। अरे तुम लोग, ये क्या वेश बना रखा है यार? रसीला अपन अब बन गया है टोट भाई। पूरी बात सुनकर रसीला को तो माता ही ठनक गया। भाई, भाई का मतलब भी पता है तुम्हें? और जो मतलब टोट भाइयों ने उसे बताया उसे सुनकर तो रसीला अपना सिर ही पीट बैठा। रसीला ने उन्हें बताया भाई होने का अर्थ। भाई का अर्थ होता है अपराधियों का सरगना, जिसके इशारे पर अपराधी अपराध करते हैं। तुम अपराधी बन गए, कहीं तुमने कोई बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया? किसी को टपका तो नहीं दिया तुमने? हाँ टपकाया तो है एक को। टपकाने का मतलब भी पता है बेवकूफ? तुमने खून कर दिया है। बकवास, टैक्सी रोक। तू टैक्सी रोक। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हम भाई का मतलब नहीं पता। हम टोट भाई भाई हैं तो क्या हम अपराधी हो गए? उफ, अब मैंने कैसे समझाऊं कि ये वो वाला भाई नहीं है, मुझे रुक कर देखना चाहिए। चपर भाई के आगे रुपयों का अंबार लग गया था। ये सारा पैसा एक ही दिन में टोट भाई ने दिलाया चपर भाई, और ये उससे भी ज़्यादा है जो हम उन भाइयों को आज तक देते आए हैं। अब वक्त आ गया है चपर भाई कि हम ये सारा पैसा मेरी ढूंढी जगह पर छुपा दें। मैंने टोट्स के खाने में नींद की दवा मिला दी है, खाना खाते ही वो गहरी नींद सो जाएंगे। फिर मैं जाकर स्टीमर की व्यवस्था कर लूँगा ताकि हम दुबई के लिए रवाना हो सकें। हम देश छोड़ देंगे और पकड़े जाएंगे टोट भाई। चबड़ चबड़। रसीला ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, पर जब टोट भाई बाहर ना निकले और गूंज उठे पुलिस के सायरन तो ये पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अंदर चलकर देखना चाहिए। पुलिस को वहाँ से कुछ ना मिला, ना माल, ना चपर भाई, ना टोट भाई। फ़ोन करने वाले ने तो कहा था कि टोट भाई मिलेंगे, फिर यहाँ तो कोई भी नहीं मिला। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें समय रहते गटर में ले आया था। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ कि ये वाले भाई वो वाले भाई भाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर तुम तो समझते ही नहीं। भाई के नाम से धोखा हो गया यारों, पर अब क्या होगा, हम तो अपराधी बन गए। नहीं, अभी तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे अपराध माना जाए। तुमने अपराधियों को ही मारकर उनका पैसा छीना है, और जिस ढंग से उस आदमी को टपकाया है उससे वो आदमी भी मरा नहीं होगा। अब हम क्या करें? सबसे पहले तो टोट भाई की ड्रेसें उतार फेंको और अपने असली रूप में आ जाओ। लेकिन ड्रेसें उतरने के बाद भी हम जब तक असली अपराधियों को पकड़वा नहीं देते तब तक हमारा दोष कम नहीं होगा। असली अपराधी फिलहाल तो ओढ़न छू हो चुका है। अब तो हम दुकान पर जाकर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि लोग हमें भाई समझेंगे। ये सारा आइडिया कंप्यूटर का था, ना वो दुकान खोलता ना हम भाई बनते। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आदमी को भाई मत बनाओ, पर मेरी सुनता कौन है? टोट जैसे ही टोट निवास में पहुंचे, मिल गए असली अपराधी, हमारे घर में ही मिल गए। कंप्यूटर जल्दी बोल, ये तो इनका घर है बेवकूफ। तुझे भी यही जगह मिली थी माल छपाने के लिए? तुम यहां कैसे? तुम, ये हमारा घर है। टोट्स एक्शन था या। अभी तक तो तुम टोट भाई से मिल रहे थे, अब मिलो फाइटर टोट से। मास्टर ने अपना शरीर चपर भाई जितना फुला लिया और जब ही धार खाया तो तूने बहुत है चपर भाई, अब हजम मैं करवा देता हूँ। मेरे एक धक्के से पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है बेवकूफ। शूटर ने बाण छोड़े मगर धार, अब तो मैं तुम्हारी कब्रें गटर में ही बना दूंगा। तूने मास्टर पर हाथ उठाया, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। तेरे लिए तो मेरी एक डकारी काफी है, तुझे तो अब कोई पहचान ही नहीं पाएगा। मास्टर और कटर अपने होश दुरुस्त करके चप्पर भाई पर टूट पड़े। तू घबरा मत शूटर, तुझे कुछ नहीं होगा। हम उसका पाँव ऊंचा करते हैं, तू नीचे से निकल जा। ओ तेरी, ये कॉमिक्स तो भाई लोगों अधूरी है। अब क्या होगा, इसकी दूसरी कॉपी भी नहीं है। तो चलिए अब ये लास्ट ही चल रहा है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि उन्होंने उसके साथ खेल ही लिया होगा, मारा कुटाई कर ली होगी।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फाइटर टोड्स की किसी अगली कॉमिक्स में। जिसने भी इस कॉमिक को स्कैन किया है ना, बहुत ही वाहियात होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर टोड्स की अगली कॉमिक्स में।